मधुरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन, मेरे साथ हैं रजनी जी। करते हैं खबरों की शुरुआत। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली बार आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला गया। पहले दिन भगवान राम के दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ ज्यादा होने के कारण श्रद्धालुओं को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एहतियात के तौर पर मंदिर प्रशासन ने दोपहर की आरती के बाद समय से एक घंटे पहले मंदिर के कपाट खोल दिए। नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहले दिन भगवान राम लला की आरती की गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंडितों की टीम ने भगवान राम की आरती की, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोल दिया गया। आरती के दौरान मंदिर के बाहर ही भारी संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम के जयकारे लगाते दिखे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा, 22 जनवरी को जो देखा हमेशा के लिए स्मृतियों में अंकित रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी का साथ दिया तो खुदा माफ नहीं करेगा, हम लड़ेंगे डरेंगे नहीं, जो काफिर हैं वो डरते हैं। जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंगलवार को गुवाहाटी में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता यात्रा को शहर के भीतर से निकालना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए, उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गुवाहाटी में प्रवेश नहीं मिलने पर राहुल गांधी ने हिमंता सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सीएम हिमंता को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया, साथ ही कहा कि मुझे जितना रोकेंगे उतना ही आगे बढ़ूंगा। सीएम हिमंता ने जो कुछ भी किया है उससे कांग्रेस को ही फायदा होगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कर्तव्य पथ पर परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। इस बार की गणतंत्र दिवस के लिए वायुसेना ने भी तैयारी कर ली है। म्यांमार का एक सैन्य विमान मिजोरम में लेगपुई हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 14 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिजोरम डीजीपी ने बताया कि विमान में पायलट के साथ 14 लोग सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन म्यांमार सेना के जवानों को लेने आया था। ये जवान हाल ही में भारत में दाखिल हुए थे। बताया जा रहा है कि लेंगपुई एयरपोर्ट के रनवे पर उतरते वक्त ये क्रैश हो गया। मधुरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।